नीमच के व्यापारी और जनता ने रविवार के लॉकडाउन को लेकर नाराजगी दिखाई और कहा कि लॉकडाउन कोरोना महामारी का समाधान नहीं है और दुकानें बंद करने से कोरोना नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार के लॉकडाउन की वजह से अभी तक की हालत सुधरी नहीं है। फिर वापस ये लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता का हर व्यापारी संघ विरोध करेगा। आपको बता दें कि आम जनता और व्यापारी वर्ग के लोगों में कोरोना का भय तो नहीं, बल्कि लॉकडाउन का भय ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। फिर से आम जनता को ये टेंशन है कि पहले भी एक दिन का लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद फिर आगे बढ़ा दिया गया था, जिससे आम जनता काफी परेशान हो चुकी थी, जिससे अभी तक की स्थितियां सुधरी नहीं। लेकिन फिर इस बार एक दिन का लॉकडाउन कई लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। विषय में मेरा इतना कहना है कि सरकार ने खुद ने इस कोरोना को मजाक बना दिया है। पूरे देश के अंदर जो जनता इसको मकौल और मजाक बना करके रख दिया है इसके अंदर। आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। इनको कोई रैली करना हो, वहाँ कोरोना नहीं है, हैं? और इस प्रकार से अभी इन्होंने एक आज अखबार में पढ़ने को मिला कि शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक फुल लॉकडाउन रहेगा, तो फिर उसके बाद में कोरोना भाग जाएगा। ये सिर्फ जनता को परेशान करने की बात है। ये पिछले साल के अंदर गरीब लोगों की क्या हालत हुई है, छोटे व्यापारियों की क्या हालत हुई है, उनके धंधे चौपट हो गए, भूखे मरने की नौबत आ गई उन लोगों के साथ में इस कोरोना को लेकर के। और आज कैसे भी करके उन्होंने अपने हाथ पैर फिर जमाए, अपने धंधे में, अपनी मजदूरी में इन्होंने फिर लॉकडाउन चालू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार ने खुद ही इस कोरोना को ऐसा मजाक और मकौल बना दिया और लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दी है जिसकी हद नहीं। सब देखा, इसमें डरने की बात एक ये है कि पिछली बार भी लोगों पर, जनता पे कम अत्याचार हुए, पुलिस वालों ने कम पिटाई लगाई लोगों की, तो ये सही है कि बीमारी का डर तो कम है, लेकिन इसके ऊपर जो सख्ती है पुलिस वालों जो सख्ती करते हैं उनके ऊपर, आज आप ये देखिए कि गांव के लोग बेचारे शहरों के अंदर आते हैं, कोई मास्क लगा करके नहीं आया, मान लो कोई मजदूरी करने आया उसको 500 रुपये का चालान कर दिया। ये क्या है? ये देश की जनता को परेशान करना है ये कोरोना के नाम पर, और इतना भयभीत कर दिया, इतना डरा के रख दिया है जनता को कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि जनता क्या करे। अब दूसरा एक तुगलक की फरमान ये हो गया कि सोमवार से लेकर, रविवार से लेकर के सोमवार तक, तो मुझे ये बताइए कि फिर सोमवार के बाद में कोरोना फिर क्या भाग जाएगा क्या? देखिए कि पिछला साल जब ये महामारी चली थी उस समय लॉकडाउन को लेकर पूरी जनता ने, छोटे दुकानदारों ने, बड़े दुकानदारों ने, ठेले वालों ने, जो बेचारे रोज कमा के खाते हैं उन लोगों ने प्रशासन में सहयोग देते हुए 2 से 3 महीने का लॉकडाउन भुगता है और खुद तो चरमरा गए, उनके घरों की स्थिति चरमरा गई, उनको रोटी देने वाला कोई ना मिला था, ये स्थिति उस समय थी। आज भी स्थिति ये है कि अगर आप संडे का लॉकडाउन कर रहे हैं तो इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि जो रोज़ कमा के रोज़ खा रहा है वो आदमी कहाँ जाएगा, उसकी भरपाई कैसे होगी। आज जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनको सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलती है, वो संडे को अपने पूरे हफ्ते की खरीदी करने बाजार में निकलते हैं, तब उनका क्या होगा? उनके सामान की भरपाई के लिए क्या अलग से शासन छुट्टी देगा? वो किस तरह अपने घर की व्यवस्थाएँ चलाएंगे? दूसरा ये कि कोरोना से निपटने के लिए पिछले साल आपने देखा था कि शासन जो कोरोना पीड़ित होता है उसका नाम ओपन कर रहा था, ताकि उसका नाम ओपन होता था तो उसके टच में आने वाले लोग वैसे ही उससे दूर रहते थे। निश्चित ही कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसका हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। प्रशासन अपने हिसाब से नियम बनाता है, ये भी उनकी मजबूरी या समझ लो या जिम्मेदारी समझ लो। व्यापारियों का एक ही कहना है कि क्या संडे को ही कोरोना आएगा? क्या एक दिन के लॉकडाउन से कोरोना से लड़ा जा सकता है? नहीं। इसके लिए सामूहिक प्रयास जो नगरपालिका, सरकार, प्रशासन कर रही है, व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया जाए, व्यापारी संघों के माध्यम से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकान पे गोले, ये सब अनिवार्य किए जाए। लॉकडाउन किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। पूर्व में भी जब लॉकडाउन लगे हैं तो समझ में यही आया कि लॉकडाउन से जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लॉकडाउन समस्या का कोई हल नहीं है। एक दिन के लॉकडाउन से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है। बाकी दूसरे विकल्प है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसी पे ध्यान लगाना चाहिए। हम एक दिन के लॉकडाउन का खुलकर विरोध करते हैं। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मैंने इसके लिए तो थोड़ा प्रेरणा दें, लोगों को मास्क लगावे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बस यही कहना चाहेंगे हम। लॉकडाउन लगाने से ऐसा नहीं होगा कि कोरोना भग जाएगा। कोरोना के लिए तो अपन को आगे तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ेगा और कोविड के जो टीके लग रहे हैं उसके लिए प्रेरणा देना पड़ेगा कि हर आदमी उसको फॉलो करे टीके को।
बाकी लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। सीजन का टाइम चल रहा है अभी, पूरा आकर्षित का सीजन बढ़ा हुआ है। ऐसा बार बार अगर लॉकडाउन करेंगे तो पूरा आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, ना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ना कुछ मिलेगा। देखा यार, पिछले लॉकडाउन की स्थिति इतनी चरमरा गई थी कि व्यापारी अब उठा है, छोटा छोटा व्यापारी आज इतना नर्वस हो चुका था कि व्यापार क्या करे। धीरे धीरे पटरी पर ये पर वो पटरी पर आने के बाद भी फिर लॉकडाउन के लिए दंश झेलना ये आम जनता के लिए, आम व्यापारी के लिए त्रासदायी होगा। लॉकडाउन नहीं लगे इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए कि मास्क लगाया जावे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जावे। आपका नाम? थोड़ी कोरोना का कोरोना को हेले मास्क अनिवार्य कर दिए। दुकान दुकान पर जैसे पहले मास्टर कर्मी छोड़े बाजार में, वैसे मास्टर कर्मी छोड़िए बाजार में। जिसने मास्क नहीं लगाया उनके ऊपर चालानी कार्रवाई करें। लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, प्रशासन को कोई तो निर्णय लेना ही था। जो महामारी वर्तमान दौर में चल रही है उससे बचाव के कई उपाय हैं, मगर मालूम नहीं प्रशासन को हमेशा व्यापारी वर्ग क्यों नज़र आता है कि बाजार बंद करा दो कोरोना नहीं आएगा। ये बात समझ में नहीं आई। निश्चित रूप से इस महामारी के बचाव के लिए प्रशासन को कई तरह के उपाय करने चाहिए, मगर वर्तमान में जो एक साल से हम देख रहे हैं प्रशासन खाली एक ही मुद्दों पर ध्यान देता है कि बाजार को बंद करा दो और भाग जाएगा। हेलो, मैं नागरिकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या खाली बाजार बंद करने से कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी? मुझे नहीं लगता ये संभव है। बाकी जो प्रशासन का निर्णय है उसको मानना हमारी मजबूरी के दो या मर्यादा। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।